We have a question over here. Question में कहा गया है कि angular displacement of a particle performing circular motion ये दिया हुआ है theta is equal to t cube by 60 minus t by 4. ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना क्या है, where theta is in radian and t is in second, angular velocity and angular acceleration at t is equal to 5 second हमें बताना है. तो omega क्या होता है, d theta by dt होता है. तो इसको differentiate करके क्या गया, 3t square by 60 minus 1 by 4. सो 320 जा, तो t का वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर बाय 20 माइनस 1 बाय 4. ठीक है, 5 4 जा 20, सो 4 बाय 4 यानी कि आ गया 1 रेडियन पर सेकेंड. अब इस वैल्यू को अल्फा निकालने के लिए ओमेगा को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के साथ, तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2t बाय 20 ओनली. सो यानी कि आ गया आपके पास t बाय 10. t हमारे पास 5 है, 5 बाय 10 मतलब कितना हो गया, 0.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. सो 1.5 यानी कि करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी. होप दिस आंसर योर क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच.